अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। आज मैं आया हूँ लखनऊ के बड़े इमामबाड़े में। तो ये मेरे पीछे ये बड़ा इमामबाड़ा, और इस तरफ थी ये एंट्री गेट, इसके पीछे एक गेट और है, वो मेन रोड है, और इस तरफ है आसिफी मस्जिद जो जनाब आसिफ़ुद्दौला साहब ने बनवाई है। ये पूरा इमामबाड़ा उन्होंने बनवाया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ बड़ा इमामबाड़ा और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे हिस्ट्री क्या है इसकी। इस तक मैं आ चुका हूँ इमामबाड़े के अंदर, और आप देखो कितनी भीड़ है इस तरफ। यहाँ पे ये इमामबाड़े का पहला दर है और ये मेन अंदर दर है। तो अभी मैं किसी गाइड को ढूंढ रहा हूँ ताकि जो मुझे पूरे इमामबाड़े के बारे में पूरी डिटेल बता सके और आपके साथ मैं उस चीज़ को शेयर कर सकूँ। आप देख सकते हो इस वक्त मैं अंदर खड़ा हूँ। ये हॉल है, मेन हॉल ये है। तो ये देखो आप, ये हॉल है, कितना ऊँचा है ये, और चारों तरफ ये बना हुआ चलने के लिए। ये ऊपर भूल भुलैया है, उसका रास्ता है ये। आप हॉल देखो कितना ऊंचा हॉल है, ये बिना पिलर के टिका हुआ। देखो आप कितना बड़ा ये हॉल है और बिना पिलर के टिका हुआ ये हॉल। और ये लगा है रेट, यहाँ पे गाइड रेट्स देख सकते हो आप। देखिए जनाब, ये बड़ा इमामबाड़ा है, इसको बनवाया है नवाब आसिफ़ुद्दौला ने मोहम्मद साहब के नाते के नाम से। जैसे आपका मंदिर होता है, हम लोग की इमामबाड़ा होता है। इमामबाड़ा जो है इमाम हुसैन इस्लाम की यादगार में बनाया गया, जो मोहम्मद साहब के छोटे नवासे थे, नवासे माने ग्रैंडसन। देखिए इसकी लम्बान जनाब 330 फीट है और 75 फीट ऊँचा है। इसे मौलाना बैठ के इमाम का जिक्र करते हैं। दिस इज नो बडी सीन मौलाना शिया, ये केवल मौलाना बैठे हैं, ये बादशाह का जगह नहीं है। देना बादशाह नीचे बैठेंगे, आइए देना। देखिए जनाब, ये नवाब आसिफ़ुद्दौला है, जिनका नाम है मिर्जा या खां। तकल्लुक जो है नवाब आसिफ़ुद्दौला थे, ये सब ईरान से आए थे, निशापुर से थे। जी जी जी, पढ़ा है स्ट्रीम की निशापुर में। हम इलाहाबाद से। सैयद अली, आइए जनाब, मुतमा कमी दिस साइड। हाँ, देखिए ये गोल प्लेट है जिसमें आप लोग चाय वाय पीते हैं। ये चारों तरफ झड़ोके दिए हैं, इसको झड़ोके नहीं कहते, रोशनदान। हमारे जो माता मस्जिद होता है जनाब, तो लेडीज लोग इधर बैठती, मर्दाना उधर बैठता है। ये केवल हवा लाइट के लिए बनाई गई है। इलाहाबाद से आए हैं जी? जी जनाब, आप कहाँ से आए साहब? ये बताएं आप लखनऊ का नाम जानते हैं? बताएं आपको, शर्माइए जी। अवध से पहले कुछ और नाम नहीं मालूम है तो आप समझ लें। लखनऊ का नाम है लक्ष्मणपुर है, लक्ष्मण के नाम से था। फिर लखनपुर हुआ, फिर अवध। अवध में नवाब सादत खां आए थे पहले, नवाब ये सब शिया थे, ईरान से आए थे, उन्हें अवध रखा था, अवध की शाह। तो उधर देखिए, जब पीछे आप घूम के देखिए, इतनी बड़ी जगह देखिए, कहीं पर खम्भा आपको नजर आ रहा है? कहीं खम्भा नहीं, पिलर देख रही। इतनी बड़ी जगह देखिए, ये देखिए ऐसे दिया है आर्च। आर्च कहते हैं मेहराब को। जब लखनऊ में आइए दिल्ली से तो मेहराब बोलेंगे, आर्च नहीं बोलेंगे। तो लखनऊ में कहते हैं जाओ नहीं आइए कहते हैं, ये ध्यान। आधा लोग जनाब इधर है, आधा इधर की। और जैसे आपका मंदिर होता है, हम लोग की इमामबाड़ा होता है। आइए, इतना काला पेंट देख रहे हैं आप, इसका उतना सोना था, सोना जगह बदतमीज। बदतमीज कौन? अंग्रेज।
देखिए घूमने के लिए जनाब चार रास्ते हैं और 1024 गेट है, ध्यान रखिएगा जनाब। हट गेट में जनाब चार रास्ते हैं, तीन रास्ते जनाब, एक रास्ता से ये दीवार है, दीवार को काट के रास्ते बनाए। ये इमारत को रात में अमीर गिराते थे और दिन में गरीब बनाते थे। ये भटकने का नाम रखा भूल भुलैया, और जब तक आप भटकेंगे नहीं तो भूल भुलैया नहीं जनाब। इलाहाबाद वाले आप भी भटकेंगे। जी जी भटकेंगे तो वही हुसैन को मानने वाले हर कौम मानती है, कुछ ऐसे लोग हैं नहीं मानते, वरना हर कौम इमाम को मानती है। तो ये इमाम हुसैन के नाम से जनाब ताजिया रखा जाता है, जैसे आप लोग भगवान की मूर्ति रखते हैं ऐसे हम लोग के इमामबाड़ा में ताजिया रखा जाता है। ताजिया के साथ जो आप देंगे ये इस्लामी सिंबल है, आपका टीजर शुरू होता है हमारे कलम होता है, ये आगे होगा पीछे ताजिया होगा, तो इससे ये होगा हुसैन की सवारी आ रही, अदब से इनको नमस्कार करो। तो ये अमन शांति का झंडा बोलता है, इसको बोलते हैं अलम। आ जाइए देखिए इसके अंदर जनाब तीन धाते हैं जनाब, अल्मोनियम है, तांबा है, पीतल है, अल्मोनियम। ये किसी साहब की मन्नत का ताजिया जनाब, जैसे मंदिर में आप मूर्ति रखते हैं हमारे बिरादरी आए थे शिया जा तो ये ताजिया रखे गए। भैया आइए जनाब, इधर देखिए चंदन जनाब दो लकड़ियां हैं जनाब, एक इसमें अखरोट है चंदन, कुछ आपको पहचान हो तो बताइए, अखरोट चंदन की पहचान है आपको बताइए। देखिए यहाँ हर गांव जो है लड़का है, देखिए ये अखरोट है वो है चंदनिया, और जो हमारे जो पहले इमाम थे हजरत पहले ये उनके हाथ का कुरान है, कुरान जैसे आपके गीता हमारे के कुरान चीज वही है, तरीके अलग अलग जाना एक ही जगह है। यहाँ पर देखिए आपकी और उनकी बेगम, इनकी बेगम का नाम जनाब शमसुनिशा, क्या नाम था? शमसुनिशा। शमसुनिशा समाधि है, तो दोनों की कब यहाँ नहीं करबला में दफन है, हमारी निशानी है, हमारी निशान बनाया गया, तो ये तो मही के थे, तो इमाम बारे में इंसान की कब नहीं रखी जाती, ठीक है। मजार अलग होता है, कब्र अलग होती है, मजार फकीरों का होता है और कब्र जो होती है वो इंसान की होती है। तो ये नवाब थे, ये हर मजहब को, हाँ मुसलमान सुनी तो ये हर मजहब को मानते थे। अब आइए मैं आपको खरबूजा दिखा दे रहा हूँ, करें ये इमाम के दरबार है, मिलता है विश्वास है जनाब, दिखा दें सब लोग। देखिए जनाब ये इस साल का ताजिया जनाब, भाई साहब ये अगले साल इसको दफन किया जाएगा जनाब, ये हर साल हम लोग इसको निकालते हैं और शहर में घुमाते हैं और उसको 10 तारीख को उसको दफन कर देते हैं, तुरंत ला के रख दिया जाता है यहाँ पर, घरों के ताजिए दफन हो जाते हैं, इमाम बारे के ताजिए दफन देते हैं, दिखाने के लिए मंदिर है ये। आइए दफन नहीं हो रहा, देखिए आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, देखिए जनाब इधर दर्शिना, ये दुदुर घोड़ा है हुसैन बाबा के नाम से, जैसे आपका राम का घोड़ा है हमारे तो हुसैन का घोड़ा होता है, इसको अगर कोई सवारी नहीं की जाती आपको ये ध्यान दें, छोटा इमामबाड़े में आपको मिलेगा, तो इनको दूध जलेबी आप खिलाइए और इनका जो बच जाता है वो आप अपने परिवार में खिलाइए, बीमारी होती है बीमारी दूर रहती है, जिसकी औलाद नहीं होती औलाद हो जाती है। तो ये दुलदुल है, इसको इमाम हुसैन का घोड़ा बोलते हैं, ये दरनसब अकीर है सऊदी अरबिया में, जहाँ इमाम की हुजूर की बेटी का रोजा है, माँ के बादशाह ने गिरा दिया गया है। ये नाम खरबूजा हाल है, क्या है भैया? इसके अंदर जनाब दो कलाकारी है भैया, ध्यान दे, एक इसमें मुस्लिम पार्ट है और एक हिंदू पार्ट है, बताइए कहाँ पर? एक मुस्लिम पार्ट एक हिंदू पार्ट, जी देखिए आप लोग घूमने आए पेपर देने नहीं आए, इधर आ जाइए आप लोग, देखिए जो मेहनत देती है ये मुस्लिम पार्ट है,
इसको हम लोग आर्ट वोट दिया, आप लोग आर्ट्स वोट थे, हम लोग मेहरा वोट थे, और जिनकी आप पूजा करते शेरनाग बने पंडित जी ध्यान से, ठीक है पंडित जी हैं अच्छा ठीक है जनाब, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका पंजाबी पार्ट है, क्योंकि हर कारीगर ने अपना हुनर दिया है। हमारे के दौरान ये भूत पूजा की नहीं पूजा होती, ठीक है, तो हर कारीगर ने अपना हुनर दिखाया, आने वाली नस्ल को दिखाई ये भाईचारा एक तजुबा। आ जाइए जनाब, आइए जनाब, देखिए इनका नाम है, इनका नाम है लाडो, ये गुड़िया का ताजिया ने सुना होगा, लखनऊ में बड़े मामा ने गुड़िया का ताजिया रखा था, ये गुड़िया है, इनका नाम था लाडो। इमामबाड़ा बन रहा था तो इमामबाड़े में इनकी जगह थी, उनसे पूछा गया हम इमामबाड़ा बनवाना चाहते हैं, जो गुरबत गर्मी करबला नहीं जा सकता वो यहाँ पर आए हिंदुस्तान में, सुनने का उनको दौलत नहीं चाहिए, नवाज साहब मरे तो मेरे नाम से ताजिया रखा था, ये उन्हीं के नाम से ताजिया जी ने ये ज़मीन दी, इस ज़मीन का नाम जमनिया बाग है, जमनिया बाग ये 10 बीघे में तैयार है, कितने बीघे में लेना 2 करोड़ लगे तो जमाने में पैसा 1784 2 करोड़ उस टाइम में चांदी के सिक्का चलता था, सफियाँ एक सिक्का जानते थे चांदी का कितना होता है 10 ग्राम होता है, ठीक है, अब जो लिए उस जमाने में 2 करोड़ लगे थे, उस जमाने चांदी के सिक्के चलते थे, चलिए चांदी सिक्के के 2 करोड़ उस जमाने। आइए देखिए, मुस्लिम के मोमेंट कभी आप जाएंगे तो आपको पहले मछली मिलेगी, उसके बाद इमामबाड़ा, और मस्जिद जो पड़ेगी आपको सीधे हाथ में पड़ेगी, सीधे हाथ जब आप एंट्री करोगे तो राइट हैंड साइड पे, ठीक है, तो ये मस्जिद बनाई है बाद में इमामबाड़ा बनाया, पहले अल्लाह का घर फिर इमाम का घर, हमारे इमाम ने इन्हीं के नाम से इमामबाड़ा जो बनाए गए हुसैन के नाम से बनाए गए नवाबों ने, और दीन बचाने के लिए हमारे इमाम ने सर कटा दिया था, आज मस्जिद में हमारे को नमाज नहीं होती, इमाम सज्जा में सजा कटाते, तो ये हक और हक इलाके यहाँ पर लड़ाई थी, ठीक है, यजीद की कब्र का निशान नहीं है, हुसैन की कब्र की निशान आज भी आपको मिलेगी, हुसैन के चाहने वाले हर कौम मिलेगी बेशक, इसमें हिंदू हजरात भी मानते हैं, आपको ये भी बता दें मोहम्मद साहब की जो बेटी थी हजरत फातमा, उनके जो बेटे थे इमाम हुसैन, उनकी बीवी एक थी उनका नाम था हजरत शहबानो, वो पंडित की बेटी थी और हिंदू पंडित से तारुक रखती थी, तो हुसैनी पंडित भी आपको मिलेंगे, हुसैनी पंडित आपको कहाँ मिलेंगे, आपको कश्मीर में ज़्यादा मिलेंगे, और उनको पर निशान है गद्दर पर निशान, जब इमाम हुसैन जब शहीद हो गए तो यहाँ के बादशाह ने भेजा था जाओ ना जाओ करबला इमाम की मदद के लिए जाओ, जब इमाम की मदद के लिए गए तो इमाम हुसैन वहाँ शहीद हो गए, तो उन्होंने अपनी तलवारें निकाली थी गर्दनों में, कि हमारे आने का फायदा क्या होगा हुसैन बाबा, अब तो बढ़ गए आदमी, तो उनको अल्लाह ने उन पर एक निशान दे दिया था, वो हुसैन पंडित है, समझे ना जी, सही कह रहे हैं बिल्कुल सही है, हाँ है हुसैनी पंडित, हुसैनी पंडित, आइए आप देख समझिए यहाँ मंदिर पूरी होती है, ये हुसैन का दरबार है, यहाँ सब की सुनते हैं, जनाब आप फरमानी थी ये क्या है, ये सुरंगे हैं जनाब, ये दिल्ली आगरा कलकत्ता बादाबाद की सुरंगे थी जो 1857 सब रास्ते बन के दिए, हाँ जाना चाहती है तो हम घुमा देंगे आपके लिए, जाएंगे आप दिल्ली आप क्या में जाइए, ये सब बेल्जियन गिलास है देना, ये कहते हैं मेरा ये सब बेल्जियन गिलास है, और ये लिखा है वक्फ हुसैनाबाद, लिखा है वक्फ हुसैनाबाद, हुसैन के नाम से वक्फ कर दिया, मजहब के बारे में हमारा दीन बड़े फैलेगा, सही कह रहे हैं, चाहे बादशाह चाहते तो घर बनवा के चले जाते, महल ना महल बना के इमामबाड़े ना बनाते, यही से हमारी अज़ादारी और आगे बढ़ रही है, बिल्कुल सही है, देखिए जनाब ये लखनऊ का रूबी गेट, रूबी गेट को बनाने वाले सादत अली खान थे, तो नवाब आसफ़ुद्दौला के चचेरेदान थे, इनको आप अंकल बोलते हैं, उसकी खूबी है जनाब सामने से आपको 3 दिखे का गेट और पीछे 1 दिखे का गेट, का नाम रूबी गेट, रूबी गेट है, आ जाइए जनाब पहले हम आपको गोवा चलेंगे उसके बाद आपको भूमिया में चलेंगे, आ जाइए
आप लोग इधर आ जाइए जनाब। देखिए इको बोलते हैं जल महल, ये नवाब आसिफ-उद-दौला का फौजी अड्डा 275 साल का। यहाँ पर नवाब के सिपाही देखते थे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। नवाब आसिफ-उद-दौला के काले कपड़े थे, बादशाह के दोस्त थे वो कत्थई, तो यहाँ से शाह जफर तीर चलाते थे। पहले जमाने में तीर चलता था, आजकल इशारा चला जाइए दौर के साथ। सही बात है। गेट के पीछे पानी है, आइए मैम। बेटे ध्यान से सुनेंगे जी। और जब यहाँ गेट का पानी बहुत गंदा है जनाब, ध्यान से सुनेंगे। जब हम उधर जाएंगे जो आदि इधर आएगा उसको हम पानी में देखेंगे जनाब। आइए। इसीलिए शैन ने कहा कि अगर सीने पे सीना नूर का सिलसिला मिला, सीने पे सीना नूर का सिलसिला मिला, पहले खुदा मिले तो खुदा के चाहने वाले मिले, सादे हुसैन के मिले। बहुत खूब माशाल्लाह। जी जी जनाब, इसका नाम जलमहल है। इसके अंदर खजाना था, खजाने की चाबी थी, वो चाबी जिसके बाद थी उसका नाम था मेवाला रस्तोगी, जो फैदाबाद का रहने वाला था। अंग्रेज कह रहे थे चाबी दे तो हम उसको राजा बना दें, कहने हम नवाब के साथ रह के गद्दारी नहीं करेंगे। जब उसको अंग्रेज पकड़ा उसने चाबी नक्शा इस कुएं के अंदर फेंक दिया है। आपको चाबी लेना तो कहीं उठा दे देना। चाबी लेना चाबी होती तो पहले हम लेते, बाद में आपको। देखिए अंकल दिख रहा है पानी, दिख रहा है। आइए जनाब इधर आइए बेटे, पानी दिख रहा है। देखिए जो गेट से दाखिल हो रहा है उसके पीछे पानी में दिख रही है, ये 275 साल का कलर टीवी है जनाब। हम लोग इधर से हैं, इमारत आपको उल्टी दिख रही है, तो हर काम यहाँ पर उल्टा है। आइए जनाब, देखिए यही कुआं है। इसी कुएं के अंदर नवाब आसिफ-उद-दौला के सिपाही ने जान दी थी। जब अंग्रेज उसको पकड़ने चाबी नक्शा इस कुएं के अंदर फेंक दिया। जाना आपको लेने के लिए चाबी, पानी सूख गया आपको छोड़ ही देना, तीन ऊपर है चार नीचे, चार उसको बोलते हैं फौजी अड्डा। जी नवाब के शोटर यहाँ पर सिपाही रहते, बादशाह आते थे नमस्कार करने के लिए, उनकी मदद के लिए यहाँ से देखते थे कौन अपना कौन बना। पहले जमाने इतनी पब्लिक नहीं होती थी, बहुत सन्नाटा होता था। ये कहाँ से निकले, कहाँ से आ गए हम लोग? दिल्ली से गए थे, लखनऊ आ गए। आपको ये मालूम है 15 स्टे हम ऊपर चढ़े। देखिए जनाब नीचे से गए ऊपर से आ गए, और पानी में तस्वीर जो आ रही है छत को खोल दिया, धूप की किरणों के जरिए पानी में तस्वीर आ रही है, इसी को बोलते हैं जल महल। चलिए जनाब जमीन करें। अब मैं चल रहा हूँ भूल भुलैया में। अब लाइट जला ले। हेलो, आइए जनाब, आप लोग ये ध्यान रखिएगा मैं अंकल को भाई शायरी सुनाने जा रहा हूँ। अच्छा। आई आंटी ये प्रॉब्लम है, तो अभी मैं शायरी सुना रहे हूँ। आइए देखिए आप सब ध्यान रखिएगा, मैं लखनऊ का एफएम रेडियो बोलता हूँ, लखनऊ का एफएम रेडियो में मिर्ची मिर्ची बोलता हूँ। मेरा नाम तनवीर है, मैं जुम्मे के दिन बोलता हूँ। देखिए कहा गया दिल लगी से दिल लगाए बैठे अंकल, के दिल लगी से दिल लगाए हैं अंकल, आंटी कमाती अंकल मुस्कुराते खा रहे देगी मुस्कुराते। ये देखिए जनाब पहली मंजिल आ चुके हैं आप लोग, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ से आपकी दूसरी मंजिल है जनाब, ये जो आप देखे ये इमारत का रेट इसी पे है, आधा लोट इधर है आधा इधर है। यही इमारत को रात दिखलाया जाता था, दिन में इसको बनाया जाता था। तो पहले के लोग कहते थे नवाज साहब हमको मेहनत कराओ उसके बाद हमको पैसा दो, तो ये 11 साल में इमारत बन गई। तो यहाँ पर डिप्टी माजिद हुसैन आए तो रास्ता भटक गए, तो ये भटक गया नाम रखा भूल भैया। और इमारत बनी थी 9 साल में, 11 साल में पूरी इमारत तैयार हो गई थी, और पैसा मैंने आपको बताया था 2 करोड़, और ये 10 बीघे में तैयार। आइए प्योर लखनऊ सिटी है। हाँ जी बेटा अंकल आ जाइए। और इस वक्त मैं बड़े इमामबाड़े की छत पर हूँ। ये
150 फीट ऊंचा है ग्राउंड फ्लोर से, और अभी हम लोग को दिया गया है 5 मिनट कि आप लोग यहाँ पर इंस्टाग्राम पिक ले लो या जो भी कह सकते हैं आप। मैं तो इंस्टाग्राम पिक ही बोलता हूँ कि मुझे इंस्टाग्राम पे ही अपलोड करनी होती है। तो ये है बड़े इमामबाड़े की छत, और ये है व्यू बड़े इमामबाड़े से बाहर का। ये आसिफी मस्जिद, ये सामने मेन गेट, और इस तरफ से हम लोग आए हैं भूल भुलैया से चढ़ के, और सामने दिख रही है टीले वाली मस्जिद, वाइट कलर की मस्जिद, और उधर आपको दिख रहा होगा लाल पुल। मैं जूम करता हूँ कैमरा। तो ये है बड़े इमामबाड़े का व्यू, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ से। अब यहाँ से आपको देखिए इधर का छोटा इमामबाड़ा दिखाने चल रहा हूँ, क्योंकि वो लखनऊ का जमा मस्जिद है जनाब, जो आपका आधा किलोमीटर दूर है यहाँ से जनाब। गोल्डन डोम देख रहे हैं आप, वो लखनऊ का छोटा इमामबाड़ा जिसको मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था, ये चचा ने बनाया बड़ा छोटा, और ये भतीजे बनाई है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। हेलो, तो वो मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था 1832, ये 1773 बना था, 275 साल हो गए इसको बने, पूरी इमारत को 275, और उसको बनाने में 6 साल हुए थे। इन्हें सबसे ज़्यादा हुकूमत जो है वो नवाब आसिफ़ुद्दौला की, बेटा आइए इधर, सबसे ज़्यादा हुकूमत जो है नवाब आसिफ़ुद्दौला की। इसके बाद आप जाएंगे तो पिक्चर गैली, उसमें 5 नवाब 5 बादशाहों की तस्वीर है, जाएंगे वही टिकट आपका चलेगा। वो आपके लखनऊ की जमा मस्जिद है, वो लखनऊ का छोटा मामला है, ये नवाब आसिफ़ुद्दौला पार्क है। इधर आपका देखिए चौक है, इसको बोलते हैं कंचन मार्केट, क्या बोलते हैं कंचन, जाइएगा नहीं और जाइएगा। चले DD1 में, हाँ DD1 दिखाते थे, हाँ उसमें ये दिखाते थे। और जो आप देख रहे हैं जनाब, ये पूरी इमारत के भाई DC पे, आधा लोड इधर है आधा यही इमारत को रात दिखाना था, दिन में इसको बनाना। आ जाइए मेरे साथ पीछे पीछे जाएंगे पतले वाले बेबी। इधर से आवाज आ रही है यार, किधर आना है बोले, वहां आवाज यहां निकल रही है, अरे दिख ही नहीं रहे, किधर गए आप? अच्छा इधर हैं। अच्छा आप यहाँ से बोले तो आवाज वहां निकल लेगी, चक्कर में बड़े उसी में सबने आ रहा है। और ये ढाई फुट के रास्ते आ जाइए मेरे साथ। तो दोस्तों ये था बड़ा इमामबाड़ा जो मैं भी मैंने आपको दिखाया, और ये मेरे पीछे ये आसिफी मस्जिद है। दोस्तों तो कितनी शानदार और बहुत बड़ी मस्जिद है, अंदर मैं जा नहीं पाया क्योंकि अभी मस्जिद बंद है इस वक्त, क्योंकि अभी नमाज का टाइम नहीं, नमाज टाइम खुलती है। और ये है बड़ा इमामबाड़ा जिधर मैं गया था, और ये एंट्री गेट, इसके आगे एक एंट्री गेट और है जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो मैंने गाइड किया हुआ था, गाइड के चार्जेस मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिए, बोर्ड पे लगे हुए थे गाइड के चार्जेस। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको टिकट लेना पड़ेगा, अगर आप आज़ादार हैं तो आप फ्री एंट्री पा सकते हो, लेकिन अदरवाइज़ आपको टिकट लेने पड़ेंगे अंदर आने के लिए। और बहुत ही शानदार है, जिसे और इसे बनाया था आसिफ़ुद्दौला ने, जो गाइड ने आपको पूरी डिटेल दी है, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, पसंद आई जैसा आप करते हैं लाइक एंड शेयर। तो फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, आपका दोस्त अली, खुदा हाफिज़।